आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस, अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रीज, दूसरे भी कंट्रीज हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग 2021, इसका डाटा मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि 2020 में पूरा कोविड था, बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे थे, वापस आ रहे थे, मगर वो चीज भी कोविड भी हमारे स्टूडेंट्स को रोक नहीं पाया एजुकेशन हासिल करने के लिए। 2021 स्टार्टिंग का जब हम डाटा देखते हैं, 21 स्टार्टिंग में 72,000 स्टूडेंट्स, 72,000 स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए गए, समझे आप। सो हमारे इंडिया भी हमारे स्टूडेंट्स को इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। कुछ ये मैं आपके एक्सपोजर के लिए है, बहुत सारी चीजें हैं, पर कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, अब तो यूनिवर्सिटीज का बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने रिलैक्स किया हुआ है, बट अच्छे यूनिवर्सिटीज में ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम हमने पास करना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। GRE पास करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, IELTS पास करना। Now this is, ये आपके लिए the last important thing, important. आपको एक बहुत ही अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए अपने टीचर से, जिसके आप स्टूडेंट हैं, या मान लीजिए या किसी दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ काम किया हो एज ए वॉलंटियर या एज एन इंटर्न, तो उस बंदे से, उस हेड से आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए हम अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको किसी आपके अपने अच्छे, पर टीचर आपको जिस तरह से ग्रो करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यूर एजुकेशन, आप जब उस इंस्टीट्यूट से फारिग हो जाते हो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भी दिस टीचर, जो भी आपका टीचर, इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू आपके हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, आपको वो यूनिवर्सिटी आपको अपने टीचर से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनता है। तो आपके अगर अपने टीचर्स के साथ अच्छा लेसन है, अच्छा इंटरेक्शन है, लेसन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अपने टीचर्स के साथ लड़ाई करें या डरे, लेसन दर्शन आपको अपने नहीं, अपने आपको अपने टीचर के साथ रिलेटेड, तभी आपका टीचर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता है। सो ये एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको अपने टीचर से चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सी यू हैव टू बी रियल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक वन पेज का लिखना पड़ता है, भाई आप हमारे यूनिवर्सिटी या हमारे कंट्री क्यों आना चाहते हैं। आप एक पेज में लिखिए कि आप हमारे यूनिवर्सिटी या आप या PG करेंगे, जो भी करके सभी को जॉब मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप लोगों को बाकी सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, वो दे रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जरिए होता है, उनका गया हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक तो ऑफिस देना आता है जी भवनों, जो हमें अगर लोन चाहिए तो लोन सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे लोन मिलता है, बाकी डिफरेंट स्कीम्स है, जैसे आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो वहाँ जो जो आपको सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की तरफ से, बाकी सर्विस करा मत।
तो लद्दाख एजुकेशन फेयर में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं, कैसा लगा आपको, क्या क्या चीज़ देखा है? जी, लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 यहाँ कल्चर में पहली बार हुआ है, तो हमारे स्कूल ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और हमने बहुत कुछ यहाँ पे देखा है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे काउंसलिंग भी हुई है कि हमारी करियर के बारे में, कि हमें आगे जाके कौन सा हमें मतलब जो भी हमें पसंद हो किस फील्ड में हमें जाना चाहिए वो सब हमें यहाँ पे टीचर्स ने बताया। और यहाँ पे बहुत सारी कैंप्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि मतलब अलग अलग कैंप्स में हमें ये बताया जा रहा है कि मतलब वो उन लोगों ने अपना स्टोर खोला हुआ है, जैसे कि कुछ लोग एप्पल्स के बारे में बता रहे हैं कि हमें कि वो लोग कैसे उन्हें दूसरे कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उनके बारे में कि उन्हें वो लोग उन चीज़ों को कैसे स्टोर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आके बहुत कुछ पता चल रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की एजुकेशन फेस्ट कितना फ़ायदा देके जा रहा है? ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है, मतलब हम ऐसी चीज़ों को हम पहली बार देख रहे हैं, मतलब कैसे हमारे एप्रिकॉट्स को बाहर भेजा जा रहा है, एप्पल्स को बाहर भेजा जा रहा है, ये हम पहली बार देख रहे हैं एक्चुअली, और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है। इवन यहाँ पे काउंसलिंग भी हो रहा है, तो फिर ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है। गुड, वेरी गुड। مایده درست کردیم فیروشکی گوشته که از گوشت گوسفند که چرخ کردیم گذاشتیم داخلش و قارچ و فلفل دلمه ای و پنیر پیتزا و پیاز و ادویه هاش درست کردیم فیروشکی گوشت داشت میگه دو غذا و فلافل که خیلی طرفدار داشته، فلافل از نخود، پیاز، سیر و ادویه، حالا اونقدر ادویه نه، نمک و زردچوبه اینا استفاده شده و تو روغن سرخش کردیم. سوم غذامون ماکارونی از ماکارونی و سویا، فلفل دلمه ای، ادویه ها و زردچوبه استفاده شده. و چهارمین غذامون برشته، زرش پره با مرغ که توش گوشت مرغ، فلفل دلمه ای، ادویه ها و غیره استفاده شده. حدیث خورشت قیممون هم از قیمه بود، یعنی از گوشت مرغ، گوشت گوسفند و فلفل دلمه ای و ادویه ها و عین استفاده شده. बताया हमने कल की तरह आज वही फूड आइटम रखा, अब क्यों आज हमने थोड़ा क्वांटिटी हमने इंक्रीज किया क्योंकि कल जैसे इन्होंने हमारा वेलकम किया बहुत ही जो फलाफल है। सबसे पहले मैं इंट्रो देना चाहूँगा कि जो हमारा फिराशकी है, फिराशकी हमने मटन से जो कीमा होता है वो इंग्रीडियंस ज़्यादा दिया जाता है और उसके साथ साथ आपका भला करें शिमला मिर्च और उसमें मशरूम और बाकी थोड़ा मसाला वसाला वो डाल के इसका प्रॉपर एक समोसे की तरह होता है, ठीक है, लेकिन समोसे की तरह वो टेस्ट नहीं और हल्का हल्का मैं आपको मतलब शॉर्ट में बता दूँ तो इसमें समोसे का थोड़ा टेस्ट होगा, पिज्जा का थोड़ा टेस्ट होगा और आपका पैटी जो हम लोग नॉर्मल पैटी खाते हैं उसका टेस्ट होगा। और सेकंड हमारा मैक्रोनी है, मैक्रोनी जो इंडिया में हम लोग इसको कुछ लोग इसको चाउमीन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नूडल्स भी बोलते हैं, नूडल्स की तरह दिखता है लेकिन नूडल्स से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका। फलाफल जो कि आज सबसे ज़्यादा इसका डिमांड था और कल की तरह इसीलिए हमने फलाफल का जो क्वांटिटी था, ठीक है, उसको हमने इंक्रीज़ किया। फलाफल बनता है चने से, चने को आप पहले 20-22 घंटा भिगो के रखेंगे, उसके बाद चने में आप ऐडअप करेंगे थोड़े बहुत मसाला, नमक,
हल्दी, मिर्च, जैसे आप जैसा अगर स्पाइसी पसंद आप मिर्च ऐड करेंगे, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्च, जैसे ईरान लोग ज़्यादा मिर्च अवॉइड करते हैं, तो वो चीज़ बना के एक टिक्की बनता है उसको प्रॉपर सैंडविच बना के आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज पे दो दिन का जो कैंप चला था वहाँ पे आपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या, आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉल खोला है तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करें कि कुछ बच्चे आ रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आ रहे हैं कि, और कितने बच्चों ने यहाँ पे आप लोगों की सर्विस किया है। I'm a psychiatric social worker. तो हम जो है मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल की तरफ से, तो आज जो एक लद्दाख फेस्टिवल जो आज कंडक्ट हुआ है, ये सेकेंड डे है, हमारे यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है मेंटल हेल्थ की तरफ से। तो एज ए हमारा जो यहाँ पे जो सेकेंड डे रहा है बहुत ज़्यादा हमारे में फ्रूटफुल रहा है ये, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स मिला है, बच्चे आ रहे हैं, जितने भी जो उनके स्ट्रेसेस हैं, जितने भी इशूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल एंगजाइटी हो गया, डिप्रेशन, एंगर इशूज़ है, उसके रिलेटेड वो आके हमसे बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक हेल्पफुल रहा है। और प्लस ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है आज, ये बहुत हेल्पफुल रहा है, बिकॉज इतने सारे बच्चे एट ए टाइम हमें नहीं मिलते हैं। हम जो है एज ए मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट, हम हर जगह जाते हैं, हर गाँव में जाते हैं, हर स्पोर्ट्स में जाते हैं, इसी अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट मेंटल हेल्थ, बट इतने सारे बच्चे हमें एट ए टाइम नहीं मिलते हैं, तो ये बहुत फ्रूटफुल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का मिला है। क्या आपको लग रहा है कि इनको जिस काम के अवेयरनेस से बच्चे ठीक होने वाले हैं, कि क्या इसमें से कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिसको मेडिसिन देने पड़ेंगे आगे, लेकिन इनको और ट्रीट करना पड़ेंगे? इतना सीवियर केस हमारे पास यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये जो स्टडी से रिलेटेड एंजाइटी था या स्टडी स्ट्रेस था, वैसे स्टूडेंट्स आए हमारे पास जिनको काउंसलिंग सेशंस की नीड है। अब जिनमें से कुछ बच्चे थे जिनको और दो चार काउंसलिंग सेशंस की नीड थे, तो उनको हमने हॉस्पिटल अपने डिपार्टमेंट में बुलाया, उनको जो हमने अपना पैम्फलेट दिया है, नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो वहाँ आके वो हमसे काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। तो वहाँ पे काउंसलिंग या आपकी तरफ से कि आपका कोई हेड अलग से होंगे कि या बाहर से कोई होंगे? वहाँ पे हमारे साइकोलॉजिस्ट है और साइकेट्रिस्ट है, मैम, डॉक्टर है, वहाँ पे वो भी हैंडल करते हैं। दो दिन का जो एजुकेशन फेयर है यहाँ पे डिग्री कॉलेज कारगिल पे हो रहा है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला यहाँ पे आपका वन स्टॉप सेंटर जो वुमेन एक्चुअली यहाँ पे खोला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफिंग करें आप। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे हमारे हमें जो है बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू सो मच। तो ये वन स्टॉप सेंटर जो है अभी रिसेंटली वन मंथ ही हो गया है सर हमारी करगिल में ये ओपन कर रही है, तो इसके बारे में बताया जाऊँ तो वन स्टॉप सेंटर में जो है हमारा मेन मकसद जो है वो वुमेन्स के ऊपर काम करना है सर, वुमेन वायलेंस के ऊपर हम काम करते हैं सर, जैसे कि इन द सेंस ऑफ वायलेंस की बात करें तो हम डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस भी हो सकता है, मतलब एक्सेट्रा कुछ भी, अगर किसी भी औरत के साथ किसी किस्म की वायलेंस अगर हो रहा है तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आपका ये अगर कोई आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहे तो आपके ऑफिस कहाँ पे है इसका? इसके ऑफिस के बारे में बताऊं तो सर, जैसे कि हमारी मेन बाजार पुलिस पोस्ट है ना सर, यहाँ पे पुलिस पोस्ट उसकी सामने ही है हमारा ऑफिस है सर। हमारे ऑफिस में जो है जैसे कि इसमें जो है अगर कोई विक्टिम आता है तो उसके लिए अगर कोई घर से निकाल देते उसको रहने का जगह नहीं हो तो वहाँ पे जो है बैठने का भी कम से कम 5 दिन का उनको जो है शेल्टर मिल जाता है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट में।
तो थोड़ा इसमें आप हमें ये बताइए इसमें कि अभी तक आपको एक मंथ हो गया इस ऑफिस को खोले हुए, तो अभी तक कोई ऐसा केस आप लोगों के पास आया है क्या जो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा? जी सर, अभी तक हमारे पास जो है ओपन करके तो जस्ट वन मंथ ही हो गया है सर, बट यहाँ पे हमें दो केस आ गया है सर जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड था। तो हमारे वन स्टॉप सेंटर का मकसद यही है कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी केस आता है वो हमारी वन स्टॉप सेंटर के अंदर ही सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि हमारे वहाँ पे काउंसलर भी है, केस वर्कर भी है। तो हम कोशिश यही हमारी मेन कोशिश यही रहती है कि हमारे वन स्टॉप सेंटर के अंदर ही हमारे वो इशू जो है उसी में ही सॉर्ट हो जाए। तो जैसे कि हमारे पास दो केस आया था, वो दोनों केस जो है हमारे वहाँ वन स्टॉप सेंटर के अंदर ही सॉर्ट आउट हुआ है सर। उसको हमें ना लीगली थ्रू एक्शन लेना पड़ा, ना पुलिस के थ्रू हमें एक्शन लेना पड़ा। तो इसमें हमें कुछ देखने को मिल रहा है, आपके यहाँ पे कुछ पैम्पलेट आप लोगों ने लगा हुआ है, मेडिकल असिस्टेंस, लीगल सपोर्ट और फिजिकली कुछ फिजिकल, हाँ पुलिस के लिए पुलिस असिस्टेंस, तो इनमें थोड़ा आप हमें बताएंगे इनके बारे में। हमारे वहाँ के जो है हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर है, केस वर्कर है, काउंसलर है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लीगली सपोर्ट है, मेडिकल असिस्टेंट है और पुलिस असिस्टेंट है, ये सब डिप्यूट किया जाएगा सर। अभी तो जस्ट वन मंथ ही हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ जो अभी तक डिप्यूट नहीं हुआ है, ये यहाँ पे डिप्यूट होगा सर। तो इस तो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आप किस डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोगों को खोला गया है, कौन से डिपार्टमेंट आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं इसमें? हम आईसीडीएस के अंदर ही है सर, आईसीडीएस की जो सर इंडिया सर है ना, वही हमें हेल्प करता है।